हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर टीचर्स। तो आज आपके लिए एक न्यू वैकेंसी की डिटेल्स लेकर के आए हैं हम, जो कि है राजस्थान सरकार की तरफ से। तो हम पूरी डिटेल देखेंगे कि ये जो फॉर्म आया है क्या वो सिर्फ राजस्थान के लोग भर सकते हैं या बाहर के भी भर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, कितने पोस्ट रहने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा डिटेल, पेपर का लेवल क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, तो पूरी कंप्लीट डिटेल इस वैकेंसी के बारे में देखेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और चैनल पे बने रहें कि आपको जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, टीचिंग एग्ज़ाम्स होती हैं, उनसे रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं, जिसे भी आप अपनी ऐसे प्रैक्टिस के तौर पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो फॉर्म आया है वो है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा, RPSC के द्वारा। ये सीनियर टीचर मतलब TGT पोस्ट की वैकेंसी आई है। इसकी जो विज्ञापन आया है वो 5 अप्रैल को आया है, ठीक है। कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, ये वन बाय वन हम पूरा नोटिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन सी पोस्ट आई है उनकी बात कर लेते हैं। तो हिंदी के कुल 1668 पोस्ट है, जिसमें सामान्य क्षेत्र, TSP क्षेत्र, सहरिया क्षेत्र के अलग अलग पोस्ट है। तो आप अपने हिसाब से उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल इतने पोस्ट हैं, हिंदी के कुल 1298 पोस्ट है, फिर गणित के 1613 पोस्ट है, संस्कृत के 1800 पोस्ट है, मतलब काफ़ी संख्या में पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। तो आपको इस पे अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि राजस्थान के नहीं, राजस्थान के जो बाहर के हैं वो भी कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें, एक तरह से आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब तक आप किसी पोस्ट में ज्वाइन नहीं कर देते तब तक आपको जितनी वैकेंसी आती है उनमें सब में अप्लाई करनी चाहिए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहती है और आपको अपने लेवल का अंदाज़ा भी लगता रहता है, ठीक है। तो पोस्ट देखते जाते हैं, मैथ्स के हो गए, संस्कृत के, विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान की, पंजाबी की और उर्दू की, इतने पोस्ट हैं। आप अपने जिस सब्जेक्ट में एलिजिबल है आप उसमें ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप एक से ज़्यादा में एलिजिबल है तो एक से ज़्यादा में भी अप्लाई करें, ठीक है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या हैं, ठीक है। अगर आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, इनमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसमें आपका जो सब्जेक्ट, ये क्या होना चाहिए, एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट डिग्री या डिप्लोमा में होना चाहिए, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत अगर आप एज अ TGT अप्लाई करें तो वो आपका मेन सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए, मेन ऑप्शनल मतलब वो आपके तीनों साल होने चाहिए। फिर विज्ञान अगर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके एटलीस्ट 2, ठीक है, जो ये नीचे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो एटलीस्ट 2, कम से कम 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है या केमिस्ट्री जूलॉजी हो सकता है, कोई भी 2 का कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए, तब आप विज्ञान के लिए एलिजिबल हैं। अगर सामाजिक विज्ञान की बात करें तो इसके लिए भी आपके क्या होने चाहिए, एटलीस्ट 2, मतलब कम से कम जो नीचे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनमें से कम 2 सब्जेक्ट्स आपके एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेड पे लेवल। ये 4200 का ग्रेड पे लेवल रहेगा। आयु सीमा तो 18 से 40 साल तक के लिए एलिजिबल हैं जो भी अप्लाई करना चाहते हैं। और वो एज कब से काउंट होगी, तो 1 जनवरी 2023 तक आप 18 से 40 साल तक के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा 18 से 40 साल तक ये तो जनरल कैटेगरी के लिए हो गया, लेकिन
आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा जो कि है STSC के लिए 5 ईयर का। वुमेन कैंडिडेट बिलोंग्स टू STSC, अगर मेल कैंडिडेट है STSC कैटेगरी का या अदर बैकवर्ड क्लास का, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन भी राजस्थान स्टेट का, अदरवाइज आप क्या होंगे जनरल में काउंट होंगे। तो मेल कैंडिडेट्स जो भी STSC OBC या EWS कैटेगरी के हैं राजस्थान के, उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। वुमेन कैटेगरी के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। वुमेन कैटेगरी बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी ये 18 से 40 साल तक मेल कैंडिडेट जनरल के लिए था, अब वुमेन कैटेगरी कैंडिडेट्स अगर जनरल कैटेगरी है तो उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो विडो हैं या डिवोर्स वाले हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा कोई नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एज रिलैक्सेशन आपने देख लिया 18 से 40 जनरल मेल के लिए, उसके अलावा आपको 5 साल 10 साल इस तरह से छूट मिल रही है। अपनी कैटेगरी के अनुसार आप अपनी रिलैक्सेशन देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, हम सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे इसमें। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। तो इसमें क्या होगा, अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद उसमें क्या होगा, एग्ज़ाम के बाद लास्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा और मेरिट लिस्ट तैयार होगी, ठीक है। उसके बाद परीक्षा का जो दिनांक है वो अभी नहीं डिक्लेयर है, ये फ्यूचर में आपको बताया जाएगा, पर 2 से 3 महीने का टाइम आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। आवेदन की अवधि क्या है, लास्ट डेट क्या है, तो 11 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 10 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। टोटल 1 महीने का समय मिल रहा है आपको, तो आप इसमें आराम से फॉर्म फिल कर सकें, पर लास्ट डेट का वेट ना करें, स्टार्टिंग में ही आप फॉर्म फिल कर लें। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे आप जा कर के फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पेपर की। इसमें क्या होगा, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 होगा मैक्सिमम 200 मार्क्स का, 200 नंबर का पेपर होगा और जो उसका टाइम होगा वो होगा 2 घंटे। 100 क्वेश्चंस होंगे, मतलब 100 क्वेश्चन के लिए 200 नंबर मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है। अब इनमें सब्जेक्ट्स क्या क्या आएंगे पेपर 1 में, तो ज्योग्राफिकल हिस्ट्री कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान का पूरा आपको ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल, सांस्कृतिक, करंट अफेयर राजस्थान का, जनरल नॉलेज इंडिया का और वर्ल्ड का, और एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षक मनोविज्ञान, इतने जो टॉपिक्स हैं वो आपके पेपर 1 में आने वाले हैं। तो बेसिकली आपका जो मेन फोकस आपका होना चाहिए वो राजस्थान के सारे न्यूज़ पर जो करंट अफेयर है, जो उसके सांस्कृतिक, भौगोलिक, जो भी इसकी लेटेस्ट न्यूज़ जनरल नॉलेज है जो राजस्थान से रिलेटेड है, उन पे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे। ये लगभग 50 मार्क्स का जो GK आएगा वो क्या आएगा, राजस्थान से आएगा, तो आपकी इस पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। उसके अलावा जो मेन ध्यान रखने वाली बात वो है कि इसमें आपकी 40% लाना कंपलसरी, ठीक है। 40% जनरल कैटेगरी के लिए 40% आपको पेपर 1 में आपको लाना है, तब आप ये पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं। और इसके अलावा 5% की रिजर्वेशन है STSC कैटेगरी के लिए, मतलब उनको 35% लाना है STSC कैटेगरी के लिए 35%, और जनरल कैटेगरी OBC EWS के लिए 40% लाना कंपलसरी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेपर 2 की। तो ये जो पेपर होगा वो 300 नंबर का होगा, पेपर 2.5 घंटे का होगा और 150 क्वेश्चंस होंगे, मतलब 150 क्वेश्चंस करना है आपको 2.5 घंटे में,
ढाई घंटे मतलब 150 मिनट, ठीक है, 150 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस करने हैं, और एक क्वेश्चंस के आपको 2 नंबर मिलेंगे, मतलब टोटल पेपर हो गया 300 मार्क्स का। इसके साथ ही आपको नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, और इस पार्ट में भी आपको लाना है 40%। अगेन एसटीएससी के लिए 5% का रिजर्वेशन है, और इस पेपर में क्या क्या आने वाला है, तो नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रेलेवेंट सब्जेक्ट, मतलब जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का आएगा, मतलब अगर आपने मैथ्स लिया है तो वो 10वीं 12वीं तक का आएगा, ठीक है, अगर आपने हिंदी लिया है तो वो उस लेवल तक का आएगा, जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे वो आपका 10-12 तक का लेवल आएगा। नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रेलेवेंट सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का भी आ सकता है। टीचिंग मेथड ऑफ रेलेवेंट सब्जेक्ट, जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं उसके टीचिंग मेथड से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, तो इसमें आपका ग्रेजुएशन मतलब आप जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करें उसके ग्रेजुएशन लेवल तक की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। टीजीटी पोस्ट है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, तो आपको ग्रेजुएशन तक का नॉलेज तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो आप सारे क्वेश्चन भी टिक नहीं कर सकते, आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जिससे आपके ये 40% मार्क्स भी कवर हो जाए, आप मेरिट में भी आए और आपकी नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परीक्षा शुल्क की, सामान्य अनारक्षित के लिए ये 350 रुपये, ठीक है, फिर राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग EWS इनके लिए है ये 250 रुपीज़, फिर फिजिकली हैंडीकैप राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए है 150 रुपये, और TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति एवं 12 जिले के समस्त तहसीलों के सहरिया आदिम जाति के लिए ये है 150 रुपये, ठीक है। अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी वाले 350 रुपये, ठीक है, STSC और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 150 रुपये, OBC EWS के लिए 250 रुपीज़, और सहरिया और जो भी अनुसूचित जाति जो TSP क्षेत्र उनके लिए भी 150 रुपये, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको अपनी ईमेल आईडी एप्लीकेशन में करेक्ट डालनी है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ये आपको करेक्ट डालनी है, और हमेशा आपका ऑन रहना चाहिए कि उस पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन भेजी जा सके, और डिटेल तो आप करेक्ट ही डाला करें क्योंकि आप जॉब लेना चाहते हैं तो आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।